नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न 5 हम करने जा रहे हैं। इसका सातवां भाग है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये पावर 3 है बच्चों, बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आइए इसे हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें देखिए यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो इसमें से मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं। तो साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, में से एक साइन थीटा बाहर चल गया, बाकी रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां भी कॉस थीटा है, यहां भी कॉस थीटा है, तो हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। यहां से 2 कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर चला गया, बाकी रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, में से कॉस थीटा कॉमन चला गया, बाकी रह गया है 1। आइए इसे अब आगे हल करते हैं बच्चों। इन दोनों ही जगह पर बच्चों 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं कैसे। यह है साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा, इसे तो ऐसे ही, इसको और इसको तो ऐसे ही लिख दिया। देखिए इस ब्रैकेट में 1 की जगह लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों बच्चों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहां पर है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बच्चों नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दो, माइनस 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट बंद हो गई। आइए अब इसे हम आगे हल करते हैं। देखिए ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा को तो हमने ऐसे ही लिखना है बच्चों। मैं आपको एक हिंट देता हूं, यही साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बनेगा, बाकी सब ये खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया है कि इसको हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही टेन थीटा होता है। यानी इस उत्तर के लिए हमें ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हमने हटाना है। देखिए कैसे हटेगा ये। अब ये नहीं करना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, वो तो 1 से ही तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों समझ आया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन बड़ी रकम का माइनस, यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखते हैं बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसे आगे हल करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसको नहीं हिला सकते। ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते, इसको भी ऐसे ही लिख दो। और नीचे देखो बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos square theta minus cos square theta, 2 minus 1, 1 cos square theta, ये है minus sin square theta। देखे बच्चों? ठीक है बच्चों, 2 cos square theta में से 1 cos square theta minus हो गया, तो रह गया 1 cos square theta, ये साथ में है minus sin square theta। अब आप ध्यान से देखिए, cos square theta minus sin square theta वाली ब्रैकेट से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली ब्रैकेट कट जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास बच जाएगा
साइन थीटा बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा है हमारा राइट हैंड साइड, अतः हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध कर दिया है, अतः सिद्ध हुआ। तो देखा बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध किया है। बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बाकी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों मैंने अपने वीडियोस में आपको पांचवें प्रश्न के काफ़ी सारे भाग करवा दिए हैं, जो भाग बच गए हैं उनको आप स्वयं ट्राई कीजिए और खुद से उनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।